हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न वर्ग अपनी मांगों को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। सोमवार को संयुक्त किसान मंच ने शिमला में प्रेस वार्ता कर उनकी मांगों को मानने वाले राजनीतिक दल के ऐलान की घोषणा की है। दरअसल संयुक्त किसान मंच लंबे समय से अपनी 20 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने इसे पूरा करने की बात नहीं कही है। ऐसे में संयुक्त किसान मंच का कहना है कि जो राजनीतिक दल उनकी मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, किसान मंच उसका ही सहयोग करेगा। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, वे केवल यह चाहते हैं कि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में किसान बागवानों की मांगों को शामिल करे। हरीश चौहान ने कहा कि आजाद उम्मीदवार ने अभी मांग पर सेब का चुनाव चिन्ह मिला है, ऐसे में वे चाहते हैं कि सेब बागवानों के हितों के बाद भी इन विधानसभा चुनाव में की जाए। उन्होंने कहा कि सभी बागवान वोटरों से भी अनुरोध किया है कि जब भी कोई राजनीतिक दल उनके घर पर वोट मांगने आए तो वह अपने हितों के बारे में राजनीतिक दलों से सवाल करें। चुनावी बेला में था कि हमने कुछ चीजें जो है बागवानों किसानों के पास हिमाचल प्रदेश के सामने रखनी थी, जिसमें कि हमने जो ये अभी तक सरकार थी उसकी कुछ बातें थी जो हमने अपने मांग पत्र की 20 सूत्रीय मांग पत्र वहां रखा था, जिसके लिए भ्रम फैलाया जा रहा था कि भी हमने सारी बातें जो है संयुक्त किसान मंच की मान ली, वो सारी बातें कोई नहीं मानी, उसमें केवल एक दो बात जो मानी है वो भी पूरी तरह से नहीं मानी, ये हमारा कहना था। जैसे GST है वो आज तक एक भी किसान बागवान को वापस नहीं मिला, दवाइयां जो हमारी फंजीसाइड या पेस्टिसाइड जो है 2 साल से बंद थी वो द्वारा जो है किसी को अभी तक नहीं मिली, और जो एक दो जगह भेजी भी है वो कोई पुरानी साल में लगने वाली दवाई थी या कम गुणवत्ता वाली दवाइयां हैं, रिप्यूटेड कंपनी की दवाइयां कोई नहीं है। इसके अलावा जो है कांग्रेस से भी हमारा क्वेश्चन था कि भी कांग्रेस ने OPS के लिए तो जो है जरूर एक ये कह दिया है कि पहली ही कैबिनेट में हम उसको उनको जो है OPS को लागू करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात, और वो भी हमारे परिवार से है, हम भी उनके साथ है, लेकिन हमने एक बात मांग हमने कांग्रेस से भी की है कि भी हमारे लिए जो हमारा ये 20 सूत्रीय मांग पत्र है इसमें आपकी स्थिति क्या स्पष्ट है, या आपने या अपनी स्थिति जो है इसमें स्पष्ट करें। इसके अलावा जो अन्य पार्टी है, चाहे उसमें कामरेड्स है चाहे उसमें आम आदमी पार्टी है, हमने चारों पार्टियों से ये आग्रह किया है और आज एक बात रखी है चारों पार्टियों के सामने संयुक्त किसान मंच ने कि आपके सामने आपका जो मैनिफेस्टो होगा उसमें हम किसानों बागवानों के लिए क्या क्या होने वाला है, क्या क्या रखने वाले हैं आप लोग, ये सारी चीजें हमारी आज की इस प्रेस वार्ता में थी। और इसके अलावा हमारी बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं, और एक और बड़ी बात कि हमारा संघर्ष जो है ये मैं पहले बोलना भूल गया प्रेस वार्ता में, हमारा संघर्ष जो है वो लगातार जारी रहेगा, पूरे प्रदेश में जारी रहेगा, किसी भी कोने में जो है कोई भी किसान बागवान जब भी उसको मुश्किल होगी, किसी भी फसल का बागवान होगा उसके साथ जो है संयुक्त किसान मंच बार बार खड़ा रहेगा। और एक हमने आखिरी आग्रह जरूर किया है किसानों बागवानों से प्रदेश में कि जितने भी प्रत्याशी आपके गांव में आए, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी आए आपके गांव गांव गली गली या कहीं भी आपके क्षेत्र में आए, तो उनसे सवाल जो आप जरूर करें कि आपने किसानों बागवानों के लिए क्या किया है और आप आगे क्या करने वाले हैं, इसके प्रश्न जरूर करें। यही आज हमारा मुख्य मुद्दा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।